स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको ले चलूंगी इंडिया के हर स्टेट में वहाँ की एक स्पेशल रेसिपी खिलाने। आज की सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है। हम सब चलेंगे उड़ीसा का स्ट्रीट फूड एंजॉय करने। तो कौन कौन ट्रेन से आया है, कौन गाड़ी से आया है, कौन फ्लाइट से आया है, जल्दी जल्दी पहुंचे इस रेसिपी को शुरू कर। और हाँ, इस पूरी सीरीज में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ इंडिया के सारे स्टेट्स के खाने पीने के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए जितना हो सके इन सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली। जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगाया जाता है उसका नाम है मलाई पूरी। अक्सर मलाई पूरी हम मालपुए को भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर मलाई पूरी एक्चुअल मलाई से बनाई जाती है। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। कई लोग इसके दीवाने हैं, लेकिन हम लोगों से बन नहीं पाते क्योंकि हम रोज नहीं बनाते। वहाँ पर तो बिल्कुल आदत है, जो दूध का एक बड़ा सा भगोना उबल कर तैयार हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसे इसी तरीके से मलाई निकाली जाती है और फोल्ड किया जाता है शक्कर बुरा लगाकर। ऊपर से पिस्ते की कतरन लगाएं या ना लगाएं ये कोई बात नहीं है, इसको कट करके लोग खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और हाँ, वहाँ पर जो भोग प्रसाद बनता है आज भी मिट्टी के बर्तनों में बनता है और परोसा जाता है इन पत्तलों पर। चलिए, मीठे से शुरू किया है, अब आगे बढ़ते हैं वहाँ और क्या क्या होता है। और हाँ, उड़ीसा को लोग मंदिरों का प्रदेश कहते हैं क्योंकि वहाँ एक से एक बढ़कर मंदिर हैं। वहाँ लोग जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और वहाँ के फूड का एंजॉय करते हैं। अब जो बनाने वाले हैं हम काकड़ा पीठ, जिसे भोग भी लगाया जाता है और त्योहारों में भी बनाया जाता है। इसे सही ढंग से सूजी का कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए हमें एक पैन में एक कप पानी लेना है, आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच सौंफ डालना है, 2 टेबलस्पून चीनी डालनी है, आधा चम्मच घी डालकर इसे उबाल आने देना है। उसके बाद इसमें आधा कप बारीक वाली सूजी धीरे धीरे डालना है, जिससे इसमें कोई भी गुठली ना हो। इसे तब तक पकाना है स्लो गैस पर जब तक ये मिश्रण इस लम्प टाइप में ना हो जाए। जब ये लम्प फॉर्म में हो जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे एक थाली में निकाल कर आप ढक दीजिए, इसे स्टीम लगने दीजिए। अब चलते हैं इसकी फिलिंग बनाने के लिए। फिलिंग बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है, करीब करीब 1/4 कप आपको नारियल चाहिए। मैंने यहाँ पर नारियल जो गोला होता है उसे ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी भी डाल दी है। उसे थोड़ा सा पकाना है। आप उस गोला भी ले सकते हो, उसे ग्रेट कर सकते हो, नारियल का बुरादा ले सकते हो या ताजा नारियल भी ले सकते हो। मैं 1 टीस्पून करीब मैंने गुलाब जल डाल दिया है। अब मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे चिरौंजी, बादाम, काजू और पिस्ते, ये च्वाइस आपकी है। इस तरीके से इस फिलिंग में आप खोया भी मिला सकते हो और नहीं भी मिला सकते हो, तो मैंने तो इसे इसी तरीके से ड्राई ही रखा है। अब इसे निकालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है इलायची का पाउडर। की फिलिंग भी बनकर तैयार है। अब बाकी ये जो मिश्रण है, अब ये थोड़ा सा ठंडा है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हाथों से भी मिक्स कर सकते हो या फिर पोटैटो मैशर से भी कर सकते हो। कुल मिला के इसके अंदर गुठलियां नहीं होनी चाहिए। ये जो डो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये फटे ना। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मल लिया है आधा चम्मच घी लेकर। अब हमें इसके अलग अलग पोर्शन करने हैं। इसकी साइज लगभग कचौड़ी जैसी होती है। आप इस तरीके से एक एक रोल को उठाइए और हाथ में थोड़ा सा प्रेस कीजिए और उसके बाद इसमें फिलिंग भरिए और इस सूजी को सॉफ्ट रखेंगे ना तो आराम से ये अच्छे से पैक हो जाएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अब इसे आप अच्छे से पैक करते जाइए, ये शेप में बना लीजिए। ये काकड़ा पीठ सूजी से तैयार होता है। इसे ड्राई भी बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। इसे रसे में भी, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे भी बनाते हैं और दूध के साथ भी बनाते हैं। तो कई तरीके से इस काकड़ा पीठ को बनाया जाता है। वहाँ पर जो छेना पोड़ा होता है वो इतना ज्यादा फेमस है कि हर थाली के साथ उसे सर्व किया जाता है। स्ट्रीट फूड के साथ भी, जैसे कि आपने कुछ नमकीन खा रहे हो, साथ में एक पीस छेना पोड़ा का दिया जाता है। क्या आप जानते हो उड़ीसा की जो साड़ियाँ होती हैं वो हैंडमेड होती हैं। वहाँ के लोग कॉटन की साड़ी, सिल्क की साड़ियों को खुद बुनते हैं। कम से कम 2.5 लाख लोग वहाँ पर यही बुनाई का काम करते हैं। वहाँ की साड़ियों को संबलपुरी साड़ी कहते हैं। कॉटन की साड़ी जो 2-2.5 हजार में मिल जाती है, उसे बनाने में
करीब 4 दिन लग जाते हैं। और हाँ, एक अनोखी सी बात वहाँ के बारे में मुझे पता चली, जो फिराफिरी साड़ी, सिल्क की फिराफिरी नाम से साड़ी होती है, जिसे बनाने में करीब 1 साल लग जाता है, उसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए होती है। वहाँ के लोग संबलपुरी डांस करते हैं। और हाँ, वहाँ कटक में सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वो भी हैंडमेड ही होते हैं। वहाँ की कारीगरी देखने लायक होती है। अब बारी आती है, हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए इसे धीमी आंच पे नहीं पहले फ्राई करना है, पहले थोड़ी सी तेज आंच होनी चाहिए, उसके बाद जब ये पक जाए तब आप स्लो गैस पर इसे पकाइए। कुल मिला के ये बाहर से क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट व मुलायम होता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है अगर आपने इन खास ट्रिक्स का ध्यान रखा। इस तरीके से काकड़ा पीट बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत कम मीठा, बहुत कम नमकीन, स्वादिष्ट बहुत ज्यादा बनता है, इसे भी हर जगह सर्व किया जाता है, खाने के साथ भी, प्रसाद के साथ। तो ये दोनों रेसिपी तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और बनाने। देखिए, मैंने इसे तोड़ के भी दिखाया है, अंदर से फिलिंग दिख रही है, अंदर सॉफ्ट व मुलायम है, और इन्हें खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं स्ट्रीट फूड बनाने। वहाँ का स्ट्रीट फूड बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? मैंने लिया है यहाँ पर उड़द की दाल, और मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले पीस रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे दाल मेरी पिस चुकी है, इसी में मैं बिना पानी डाले दूसरी वाली दाल डाल रही हूँ, जिससे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ज्यादा सॉफ्ट ना हो। मतलब पहले जो दाल मैंने पीसी उसमें पानी डाला, इसी में मैंने दूसरी भी दाल डाली, तो हमें कंसिस्टेंसी भी वैसी मिलेगी जैसे हमें चाहिए। अब हमें फेंटने की बारी आती है, तो इसमें हींग डाल दीजिए 1/4 टीस्पून, और एक ही डायरेक्शन में से फेंटते जाइए, जब तक इसका कलर भी चेंज हो और ये हल्की भी हो जाए। जब आप डालें किसी पानी में तो दाल ऊपर तैरने लग जाए। बस इस कंडीशन में जब हो जाए तब आप इसे 2 पार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं 2 रेसिपी बताऊंगी। पहले पार्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला, अदरक डाली है, अब मैं बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। एक साइड मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे मिलाते हुए इसका वड़ा बनाएंगे। इस वड़े को हम सर्व करेंगे आलू से। जी हाँ, आपको बहुत ही आश्चर्य वाली बात लगेगी, जैसे कि दम आलू होते हैं या रसे वाले आलू आप कह सकते हो, उस टाइप की सब्जी होती है, उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। और भी बहुत सारी बातें नई नई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम दही बल्ले इस तरीके से बनाएंगे जैसे वड़ा होता है, जैसे सांबर के साथ खाते हैं ना, वही वाले। ये इतने हल्के होते हैं कि एकदम से तैरने लगते हैं, इसमें हवा भरी होती है तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनते हैं। आप चाहे तेल में तलें या रिफाइंड में तलें, चॉइस आपकी है। क्रिस्पी होने तक आप निकालते जाइए और फिर दूसरे भी इसी तरीके से बना लीजिए। अब जो हमारे पास दूसरा मिश्रण आधा पार्ट बचा था, पहले उसे बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें करना क्या है। जो आधी दाल बची थी उसमें हमने 4 चम्मच बारीक सूजी डाल दी, खूब सारे प्याज डाल दिए, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला है और अदरक भी डाली है। इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार मिर्च भी डालेंगे, और इसे मिक्स करते हुए हमें वड़े बनाने हैं। इसको वड़ा बोला जाता है और उसको दही बल्ला बोला जाता है। यकीनन वहाँ पर जो स्ट्रीट साइड, ये दोनों खाने बहुत अमेजिंग से मतलब चलते हैं, लोगों को बेहद पसंद आते हैं। जो घूमने जाते हैं विजिटर्स, वो भी, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, बहुत ही नई टाइप की लगती है। इसकी मैंने कुछ तैयारियां तो करके रखी हैं, कुछ आपके सामने मैं बना रही हूं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने काफी तैयारियां पहले ही करके रखी हैं। ये वड़े भी बनकर तैयार हुए हैं, क्रिस्पी से हैं। अब पहले हम वड़े सर्व करते हैं कि वड़े कैसे सर्व किए जाते हैं। इस तरीके से वड़े के साथ घुगनी सर्व की जाती है, सफेद मटर की घुगनी। ये कैसे बनाई जाती है, ये तो मैंने पहले ही बना के रखी है, आपके साथ आगे मैं शेयर करूंगी कि ये घुगनी को मैंने बनाया कैसे था। ये बहुत अमेजिंग डिश लगती है, इसे इसी तरीके से लोग वहां पर खाते हैं, वड़ा और घुगनी। बस इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। और इस तरीके से वड़े के साथ आप सर्व करके खाइए। इन वड़ों के लिए लाइन लगती है। इन वड़ों को हमने आज सूजी और उड़द की दाल के साथ बनाया, वैसे चावल के वड़े भी बनते हैं, उसे भी इसी तरीके से खाया जाता है।
ये स्ट्रीट का अमेजिंग फूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दही बल्ले थे उसे हमने बनाया है, जो अभी बनाए हैं वो तो मैंने अलग से रखने हैं, लेकिन ये क्रिस्पी से जो वड़े बनाए हैं इसे वहाँ पर दही बड़े बोला जाता है। और ये दही बड़े बिल्कुल ही स्पेशल अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो इसको तल कर आप पानी में डाल दीजिए, इस तरीके से सोक कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही करके रखा है, कम से कम 2-3 घंटे के लिए। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट है। इसके अंदर हम डालेंगे खूब सारा दही वाला पानी, जैसे कि हमारे यहाँ दही बड़े के ऊपर दही डाला जाता है, यहाँ पर बिल्कुल पानी वाला छाछ डाला जाता है। बहुत कम दही, खूब सारा पानी। इसमें प्याज डाल दीजिए बारीक कटे हुए, हरी मिर्च डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। अब इसमें एक तड़का जाएगा। यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हींग डाला है, राई, जीरा और सूखी साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, कुछ करी लीव्स डाली हैं। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर डालकर मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया है। साइड से मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया भी डाल दिया। ये अनोखे दही बड़े कैसे सर्व होंगे ये तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इस दही बड़े के लिए लोग इतने वहाँ के तो दीवाने हैं, जो विजिटर्स जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग डिश होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये डिश तो हमें जरूर खानी है। जैसे कि 4:30-4 बजे ये दुकानें लगती हैं तो लोग बाहर इंतजार करते हैं और सिर्फ 7:30 तक ही मिलते हैं। तो ये है क्या, जैसे कि दही बड़े तो नॉर्मली थे, कोई बड़ी चीज़ इसमें थी नहीं, बस इसमें दही वगैरह ज़्यादा नहीं होती, मीठी चटनी कतई नहीं होती, इसमें तड़का लगाया जाता है और ख़ास बात जो है ना वो इसमें आलू की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। आलू की सब्जी कैसे बनाई जाती है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। ये आलू की सब्जी है और ये दही बड़े के साथ सर्व होगी और कैसे सर्व होगी वो देख लें। जब काफ़ी देर पानी में रख देते हो तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। आप चाहे आलू दम बनाएं, पूरे साबुत आलू के बनाएं, छोटे आलू के बनाएं, ये चॉइस आपकी है। अब ऊपर से आप थोड़ी सी दही भी डाल दीजिए, थोड़ी चटनी डाल दीजिए, थोड़ा नमकीन डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए और ये मसाला डाल दीजिए। देखा ना आपने, इसे सर्व करने का अनोखा ही तरीका है, बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, दीवाने हो जाओगे। वहाँ की जो दालिमा होती है वो हर खाने के साथ सर्व की जाती है। जैसे कि सांभर होती है ना, इसमें मसाले थोड़े अलग होते हैं और सांभर से काफ़ी गाढ़ी होती है, लेकिन कुल मिला के चना दाल या तुअर दाल से बनाई जाती है और खूब सारी सब्जियों के साथ बनाई जाती है। चावल और दालिमा ज़रूर बनाया जाता है। वैसे तो कई सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि वहाँ का फेमस छेना पोड़ा बहुत ही अमेजिंग है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ पे रसबली बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। वहाँ पे भोग लगाया जाता है जगन्नाथ मंदिर में। तो बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जिसे हमें ट्राई करना चाहिए, नहीं किया है तो आप भी उन्हें ट्राई कीजिए। अलग अलग जगह की चीज़ों को जब हम ट्राई करेंगे तो हमारा भी तो मेन्यू कुछ बड़ा ही हो जाएगा ना। इंडिया के सारे स्टेट्स में हमें जाना है, जिस जिस स्टेट का हमने इंजॉय किया है वहाँ पर हम इस तरीके से रब करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आगे हम और कौन से स्टेट में जाने वाले हैं। तो स्ट्रीट फूड का तो एंजॉय हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है और ये साथ में मीठा जो प्रसाद नुमा है ना, मलाई पूरी, इसे यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। मैंने इससे पहले कभी नहीं इस तरीके से बनाई थी। आप क्या कभी उड़ीसा गए, जगन्नाथपुरी का ये प्रसाद चखा है, हाँ या ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया के किस स्टेट में हम इंजॉय करने चलेंगे तो इसके लिए एक चिट निकालते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा शेक कर लेते हैं। हम चलेंगे हरियाणा में, तो नेक्स्ट वीक हम चल रहे हैं हरियाणा का फूड एक्सप्लोर करने।